तो बिट मुझसे पूछते हैं इतने दूर हम चाउमीन खाने क्यों आए हैं। गाइस हमारे पास पैसे नहीं था ना, तो गाइस सो एक्सपेंसिव, नो नो नो। सो गाइस हमने कहा कि पे करवा के वहीं ले जाते हैं जहाँ जाएंगे। सो गाइस एक्सपेंसिव होने के कारण हम सस्ते मस्ता खा रहे हैं गाइस, बेकार तो नहीं है बिल्कुल। वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरे चैनल योगा मैन। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखना, उसमें आपको देहरादून का रेलवे स्टेशन दिखेगा। तो अभी मैं ऑफिस में आ रखा हूँ और मैं अपने ऑफिस से आने के बाद वेटमून के ऑफिस में आ रखा हूँ। कुछ प्रकार बैठे हैं, अपने काम पे लगे हुए हैं, तो अभी यहाँ पे आ रखे हैं। तो हमारा एक छोटा सा काम है बाहर और वहाँ पे जा रहे हैं हम दोनों। तो मैंने सोचा यार कि चलो यहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कैसे रहता है वहाँ पे, क्या क्या काम होता है। इनको देखिए आप, क्या दिखा रहे हो तुम? क्या है? रोड मैप। तो फिलहाल इन्होंने खोल रखा है रोड मैप। इसमें क्या होता है कि टीम क्या करने वाली है, एक साल के अंदर, दो साल के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या NFT? NFT नहीं, हर टाइप की ब्लॉकचेन होती है, प्रूफ ऑफ व्यू में काम करता है, जो कि जैसे मान लो फ्रॉड एक्टिविटीज को रोकने के लिए। अच्छा, जब फेक व्यूज आते हैं, फेक सब्सक्राइबर आते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ सरोली गांव में, और सरोली गांव पड़ता है हमारा ये रायपुर वाला रोड है जो आ रखा हूँ ऋषिकेश बाईपास रोड पे, और इस सरोली गांव के पास तो सामने देख सकते हैं सरोली गांव है। तो आप नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि धुंध आज बहुत ज़्यादा हो रखी है यार। ठीक है, तो वहाँ पे आ रखा हूँ और थोड़ा यहाँ पे बिटमून का काम था, तो अपना काम निपटाते हैं। फिलहाल मैं आपको पानी दिखाता हूँ, धारे का पानी, नल का पानी, ये कुछ इस प्रकार है यहाँ पे। और बगल में जाएंगे तो हाथ धो धा के, तो यहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर है। फिलहाल तो यहाँ पे पूरा बंद कर रखे हैं, देखते हैं शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर यहाँ पे है। रास्ते में जाता है थोड़ी देर हम यहाँ पे भोलेनाथ के मंदिर में रुके हुए हैं, और अब यहाँ से हम थोड़ा आगे चलेंगे क्योंकि आगे भी इसका काम है बिटमून का। ले वाले हम थोड़ा और आगे, हाँ इससे मिलना है आज, तो वो यहाँ से काम हो गया तुम्हारे यहाँ का, इधर तो निपट गया, तो फिर आगे जाते हैं थोड़ा सा वहाँ से, एक और बंदे से मिला जरा, तो थोड़ा क्रिप्टो वगैरह से थोड़ी रिगार्डिंग मुझे बात करनी है उनसे, थोड़ा मीटिंग है, तो इसी बने इनका भी थोड़ा काम बन जाए, मेरा भी बन जाए, सही है। तो आगे चलते हैं। फाइनली बिटमून का भी काम हो चुका था, और यहाँ से वहाँ से थोड़ा सा आगे आगे और एक जंगल पड़ता है, वो इस प्रकार है यहाँ पे, जो ऋषिकेश रोड है उसे थोड़ा ऊपर के लिए जंगल पड़ता है, वहाँ पे आ रखे हैं। आप देख सकते हैं यार पूरा धुंध धुंध हो रखी है, और जंगल क्या शांत है, कोई नहीं है यहाँ पे हम दोनों के अलावा। Hello guys, we are in a beautiful जगह, beautiful restaurant. But guys, हम पे restaurant नहीं है, तो guys हम कहाँ खाएंगे? यहाँ पर। यहाँ खाएंगे। तो guys हमने यहाँ पर choice करी है ये। तो हम खाने वाले हैं यहाँ पे चौमिन, लाए थे यार सुबह से कुछ खाया नहीं था। अब हम खोलने वाले हैं। इसकी unboxing हो रही है। तो guys हम unboxing करने वाले हैं चौमिन को, कहाँ पर? जंगल में। तो यहाँ पर देखिए है। और unboxing। Oh my God, देखिए। मतलब आप देख सकते हैं proper तरीके से पहले से मतलब प्लेट में रखा हुआ भाप, देखिए गाइस भाप गर्म है अभी। तो गाइस हमने खा लिया है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, उसका नाम मत लो यार, मत लो, ब्यूटीफुल एलिया, ब्यूटीफुल एलिया, ओ ब्यूटीफुल। गाइस होटल में आए खाएंगे हम। और फिलहाल कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, और ये रोड जा रहे किसी गाँव के लिए, ऊपर के लिए गाँव है और वहाँ के लिए रोड जा रही है, और वो गांव है ग्राम पंचायत बडाली ग्रांट के लिए एक रोड जा रही है, और वहीं पे हम दोनों आ रखे हैं और अपना काम भी निपटा चुके हैं। मैंने कहा थोड़ा ऊपर चलते हैं, और शॉप में भी खा सकते थे लेकिन हमने कहा नहीं, ऊपर खाएंगे आज जंगल में, और फिर यहाँ से घर निकलेंगे। गाइस बहुत ब्यूटीफुल एरिया दिस इज, फैबुलस फैबुलस, यू नो। कैसी हो रही चाउमीन? गाइस बहुत महंगी वाली चाउमीन, बहुत एक्सपेंसिव है। कहाँ पर आए हैं गाइस? वॉच दिस, beautiful, you have to visit it. Yeah. आपको भी आना चाहिए गाइस, मजा आएगा फ्रेंड के साथ। ऐसा बोलता है कोई एक यूट्यूबर है, उसके बारे में बोल रहे हैं। मामू मामू कैसे लग रहे चाउमीन? गाइस फैबुलस, 5 स्टार वाली चॉकलेट चाउमीन। तो गाइस मैं भी खाता हूँ, उसके बाद फिर से आपसे बात करते हैं। ये जो सब फ्रैंक प्रैंक था, वो तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि हम लोग किसी की मिमिक्री कर रहे हैं, बस एक है जो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बोलती है, उसे सीखने को बहुत मिलता है मुझे, मैं देखता हूँ बहुत, मुझे मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं चाहता था कभी उनकी तरह करूँ। तो गाइस हाउ इज दिस लुक लाइक? तो गाइस फाइनली मैंने तो खा लिया, अब बिटमून अभी लगे हुए खाने पर, और यार ये शांति वाली जगह ना अलग ही है, इधर मतलब मज़ा आता है इधर।
चल मैं आपको नीचे दिखाता हूँ जंगल को कि यहाँ पे कैसे हैं। यहाँ पे जंगल कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, मतलब पूरा शांत। और ऐसे में मुझे अपने गांव की याद आ रही है, ऐसे घने जंगलों के बीच, हमारे पहाड़ों के बीच हमारा घर, और वहाँ की जो ज़रूर याद आएगी यदि अगर आप ऐसे जंगलों में आएंगे तो ज़रूर मिस करते हैं हम अपने गांव को। रेगुलर सिटी में रहने वाले लोगों से पूछते हैं तुम्हें यहाँ पे आने के कुछ याद आती है? गाइस नो याद, अभी मेरे को याद नहीं आती, क्योंकि यार ये सिटी में रहे हैं तो खाली एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, याद बात सब आती है, बट ये कि थोड़ा काम के चक्कर में थोड़ा बिजी होना पड़ता है हल्का फुल्का। अच्छा, तो काम आप भी नहीं छोड़ोगे, आपकी फैमिली छोड़ेगी, तो काम तो ऐसी चीज है, कर्म करो बल्कि चिंता मत करो। बिल्कुल सही बात। लेकिन यार जो मतलब पहाड़ों से बिलोंग करता है जस्ट लाइक मी, तो याद तो आएगी यार। आज का जो हमारा टाइम था वो भी गुजर चुका है और शाम की बज चुकी है, 5:26 हो चुकी हैं अभी। और अब यहाँ से घर निकलने में ही फ़ायदा है क्योंकि यार मौसम भी ख़राब हो रहा है और ठंड भी लग रही है, धुंध भी हो रखा है मौसम। तो अब यहाँ से चलते हैं, बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पर और मज़ा आया यार आज। तो आई होप आपको भी ये एरिया और इस एरिया में खड़े हो रखे हम और हमारी वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। यदि अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा सी भी अच्छी लगी है तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और एक ऐसी नई वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। भाई बिटमू से पूछता हूँ कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं फिर ब्लॉग के नहीं तो एंड कर रहा हूँ। चाउमीन कैसी लगी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, और मेमी ग्री कैसी लगी वो भी बताना। अगर अच्छी लगी तो और बनाएंगे, नहीं लगी तो नहीं बनाएंगे। ये तो लेंगे हम एक ऐसे नए वीडियो में। फिलहाल आप लोग अपना ख्याल रखना।